दोस्तों आज के दिन में इमेज वेबसाइट बनाना बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। सारे लोग इमेज वेबसाइट के पीछे भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है क्योंकि इमेज वेबसाइट बनाना बिल्कुल ही इजी है। इसके लिए किसी भी टॉपिक की ज़रूरत नहीं है। को गूगल कीवर्ड प्लानर पे जा सर्च करना है कौन सी चीज़ ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए गूगल ट्रेंड बहुत ही बढ़िया होगा और उसी की रिलेटेड आपको इमेज को ढूंढना होगा और उसी की जैसा इमेज को क्रिएट भी करना होगा, करने के बाद पब्लिश करना होगा। इस पे ज़्यादा आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप कैसे अपने एक इमेज वेबसाइट बना सकते हो, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों ये जो मेथड होगा फुल्ली फ्री मेथड होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ब्लॉगर यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो में मैं वर्डप्रेस यूज़ करूँगा। तो कैसे इमेज वेबसाइट आप ब्लॉगर पे बना के फ्री का डोमेन यूज़ करके, यानी ब्लॉगस्पॉट डोमेन यूज़ करके आप कैसे गूगल साइट पे रैंक कर सकते हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और फुल्ली सेटअप वीडियो होगा, ज़्यादा डिटेल पे होगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। क्योंकि ये जो टेम्पलेट मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा ये सारे फ्री होगा। इस टेम्पलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप उसको मिस कर देंगे तो समथिंग कुछ एरर भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देख सकते हो गूगल इमेज में आपको बहुत सारे इमेज को देखने को मिलता है। तो आप सोच सकते हो कितना अर्निंग होगा इसी तरह का साइट पे। बहुत तरह का फ्लावर की पिक्चर मैंने सर्च किया तो उसी के रिलेटेड जो जो साइट फ्लावर के ऊपर काम कर रहा है उसी के लिस्ट एक आ गया है। सो गाइज मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। पहले आपको blogger.com खोलना होगा, उसके बाद एक ब्लॉग को क्रिएट करना होगा। तो मैं आपको फ्री मेथड दिखा रहा हूँ इसलिए आपको ब्लॉगर की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं ब्लॉगर से ही आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप एक हेडिंग को चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैं देता हूँ ट्रेंड इमेजेस और यहाँ पे देता हूँ जैसे कि मैं देता हूँ डेमो इमेज 19। उसके बाद ये अवेलेबल होगा तो दिखाई देगा, देख सकते हो अवेलेबल है। तो क्रिएट ब्लॉग पे आपको क्रिएट करना होगा, तो एक ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट हो गया है। यहाँ पे इसको नो थैंक्स करना है। उसके बाद आपको पहले इसको देख लेना होगा कैसा दिखेगा आपका ब्लॉग। इस पे सिंपल सा एक थीम है, आपको एक थीम चूज़ करना होगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। उस पे एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा, उस आर्टिकल को पढ़ के नीचे आप थीम को पाएंगे और उस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा। तो उसके बाद आपको एक फ़ाइल मिलेगा, इस पे XML फाइल है, इसको आपको नोट प्लस प्लस पे ओपन करना है। आपके पास नोट प्लस प्लस नहीं है तो आप सिंपल सा जो नोट पैड होते हैं उस पर भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल सी को प्रेस करना है, यानी पूरा कॉपी हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लेआउट का सेक्शन है देख सकते हो लेआउट के नीचे है थीम का सेक्शन, आपको थीम को सेटअप करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा खुलेगा आपके सामने और यहाँ पे आपको कई तरह का चीज़ दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो कस्टमाइज, आपको क्या करना है, ये जो थ्री डॉट का निशान है आपके सामने, मेरा एक ये नया ब्लॉगर का इंटरफेस है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपके हिसाब से यहाँ पे एडिट HTML का एक ऑप्शन मिलेगा, तो एडिट HTML पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये पूरा खुल जाएगा जो HTML का सेक्शन है। कंट्रोल ए दबा के सारा डिलीट करना है और कंट्रोल वी दबा के वो जो आपको आप पहले कॉपी कर चुके हो उसको यहाँ पे देके सेव कर देना है। बस आप डायरेक्टली XML फाइल को भी डाल सकते हो पर उसमें कई बार कई एरर दिखाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है साइट को।
देख सकते हो साइट का लुक बदल गया है, ट्रेंड इमेज ऊपर दिखा रहा है जो भी आपका साइट का नाम होगा। यहाँ पे सोशल प्लगइन दिखाएगा और नीचे है फेसबुक प्लगइन। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर जो मेनू का सेक्शन है इसको आपको एडिट करना है। इसको एडिट करने के लिए आपको इस पर बैक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो लेआउट का सेक्शन है, लेआउट पे आपको क्लिक करना है। और लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने मेनू का सेक्शन दिखेगा। देख सकते हो मेन मेनू है, यहाँ पे मेन मेनू पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कई तरह का मेनू दिखेगा। ये जो होम बटन है इसका मतलब है आपके साइट का होम पेज होगा। फीचर्स है, इस पर आपको पेज चेंज करना है, जैसे कि मैं देता हूँ हैप्पी बर्थडे इमेजेस और यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद एक या निशान है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक अंडा स्लैश का निशान है, इसका मतलब है इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू की आकार से दिखाएगा। तो आपको इसको इरेज करना है, आप इसको रखेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू की हिसाब से दिखाएगा। आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे वो आपकी हिसाब से है, आप क्या क्या फोल्डर का नाम देना चाहते हो वो भी आपकी हिसाब से आप दे देना। तो उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ, इस पर जो URL का निशान है ये URL आपके साइट की हिसाब से होगा। तो आपको क्या करना है, एक स्लैश देना है, यहाँ पे लिखना है सर्च, उसके बाद यहाँ पे लिखना है लेवल, और यहाँ पे उसके बाद आपको लेवल को देना है। लेवल का मतलब है किसी भी पोस्ट के साइड में लेवल की एक जगह रहते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उस पे जो आप लिखेंगे इसी पे सेम चीज आपको लिखना है शॉर्ट में, गुड मॉर्निंग यहाँ पे लेवल को देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। देख सकते हो ये हो गया है। मैं एक मेनू को आपको चेक करके दिखाता हूँ तो कैसा दिखेगा। तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैं साइट को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे कई पर भी मेनू नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये मेनू शो कर रहा है पर ये वाइट कलर के है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो इसको ब्लैक आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लेआउट का सेक्शन है इस पे जाके जो थीम पे आपको क्लिक करना है, ये थीम का सेक्शन यहाँ पे क्लिक करना है और कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ये एक कस्टमाइज पैनल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा खुल गया है, सारा टूल यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके साइट को चेंज कर सकते हो, रेड कलर को ब्लू दे सकते हो, ये आपकी हिसाब से जो भी है। तो मेन चीज़ है आपको एडवांस पे जाना होगा, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है देख सकते हो, और यहाँ पे जाके आपको मेन जो कलर है इसको आपको ब्लैक करना है, ये वाइट है इसलिए आपके सामने नहीं दिख रहा है। उसके बाद अप्लाई टू ब्लॉग इस पर क्लिक करना है, बस अप्लाई हो गया है। इस पर देख सकते हो ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको बैक टू ब्लॉगर पे क्लिक करना है ऊपर और आपके सामने वही वाला मेनू खुल जाएगा। अब जाना होगा लेआउट सेक्शन पे, बस साइट को एक बार रिफ्रेश करिए आप देख पाएंगे, देख सकते हो पूरा देख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप ऊपर हेडर मेनू को सेट कर सकते हो, ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हिसाब से आप सेट करना चाहते हो जैसे करके आप कर सकते हो। तो वह ऊपर जो मेनू है पूरा मैं नहीं चेंज करके दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है, ऊपर में आपको हॉट पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो हॉट पोस्ट को सेटअप करने के लिए ये पेंसिल का निशान है यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे बोल रहा है सॉन्ग हॉट पोस्ट, ये सॉन्ग का थीम है पर ये इमेज वेबसाइट के लिए बढ़िया होगा क्योंकि आप देख सकते हो इसका ये डेमो है। तो आपके वेबसाइट पूरा सेटअप होने के बाद ऐसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं देता हूँ गुड मॉर्निंग। तो इसको कैसे आपको चूज़ करना है एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपके साइट पे जब भी आप किसी भी पोस्ट लिखेंगे उसके बाद आपको एक लेवल देना होगा और उसी लेवल को यहाँ पे डालना होगा, तभी आपके हॉट जो पोस्ट है, हॉट पोस्ट का मतलब है आपके सामने ऊपर में जो पोस्ट दिख रहे हैं ये स्क्रॉल होगा, एक तीन से ज़्यादा होगा तो ये स्क्रॉलेबल होगा, आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये पोस्ट डालने के लिए आपको ये हॉट पोस्ट को सेटअप करना है,
हॉट पोस्ट को ऐसे ही सेटअप करते हैं, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट आप दे सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट भी दे सकते हो, जो भी पोस्ट होगा उसके बाद आपको एक लेवल देना होगा और वही लेवल को आपको ऊपर में डालना होगा। आपको एक पोस्ट करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी पोस्ट को आपको क्रिएट करना होगा। पोस्ट क्रिएट करने के बाद लेवल आपको यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पे साइड में लेवल का निशान दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक करना होगा और जो भी आप लिखेंगे उसको एक एक करके कॉमा दे के लिखेंगे। इस पर कैसे होता है, ये कैटेगरी वाइज होता है। आप ऊपर में हेडर में जो जो कैटेगरी आप रखना चाहते हो उसी कैटेगरी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। मान ले के चलता हो इस पर एक स्पेस है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड के बाद एक स्पेस है, उसी स्पेस के जगह आपको एक हाइफेन को देना है। स्पेस ऐसे आप नहीं दे सकते हैं खाली, इसे लेवल सेट नहीं होता है, तो आपको एक हाइफेन देना होगा। उसके बाद आपको दूसरा वर्ड देना होगा और आपको एक से ज़्यादा कैटेगरी पे डालने के लिए आपको कॉमा देके दूसरा कैटेगरी का नाम यानी दूसरा लेवल का नाम भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे आप लेवल सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको सही तरह का पोस्ट डालना होगा, इसका मतलब है आपको सही तरह के कीवर्ड रिसर्च करना होगा, तभी आप गूगल इमेज में रैंक कर पाएंगे। जैसे ही आप जानते हो हैप्पी दिवाली का इमेज बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि दिवाली आने वाला है और ज़्यादातर लोग दिवाली का इमेज सर्च करते हैं, इसीलिए देख सकते हो इसका कंपटीशन बहुत लो है। पर ये एवरेज मंथली सर्च देख सकते हो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर पे 10K से 100K तक आपका एवरेज मंथली सर्चेस हो रहा है और इसका जो CPC है 137 दे रहा है। इसी तरह आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो जिसके बारे में आप इमेज वेबसाइट के पोस्ट डालना चाहते हो, उसी के पोस्ट की रिलेटेड आपको कीवर्ड प्लानर पे जाके कीवर्ड को रिसर्च करना है, उसी कीवर्ड के हिसाब से आपको पोस्ट लिखना है। जैसे कि मैं देता हूँ हैप्पी दिवाली HD इमेजेस, और आपको इमेज को क्रिएट करना है। इमेज को क्रिएट करने के लिए सबसे बढ़िया एप्लीकेशन जो है canva.com, यहाँ पे आपको मिलियन से भी ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाएगा और इसी साइट पे आप खुद का इमेज बना सकते हो और उसी इमेज को आपके ब्लॉगर साइट पे, इमेज वेबसाइट पे डाल सकते हो। आप गूगल से किसी भी इमेज को मत कॉपी करिए, क्योंकि गूगल से इमेज आप कॉपी करेंगे तो आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं और आपके साइट में मोनिटाइज नहीं होगा कभी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद से इमेज बनाइए। इमेज बनाना बहुत ही इजी है। तो आप इमेज बनाने के लिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट पे जाना होगा canva.com पे जाके। तो टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे 1000 तरह के इमेज आपके सामने दिखाई देगा। आपको कैसा चूज़ करना है, पहला वाला ये जो पोस्टर का इमेज है, इसी साइज का रेजुलेशन इमेज आपको चूज़ करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे 1000 तरह का पोस्ट आएगा और ये जो इमेज होगा ये मोबाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ज़्यादातर लोग मोबाइल के लिए इमेज देखना चाहते हैं और सर्च भी करते हैं, तो आपको इसी रेजुलेशन से इमेज को चूज़ करना है और आपको एक टेम्पलेट पे क्लिक करना है। और टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन दिखेगा और देख सकते हो यहाँ पे यूज़ दिस टेम्पलेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और ये सेकेंड टैब में खुल जाएगा और आप जैसे इमेज चाहते हो वैसे इमेज आपको डालना होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो इमेज है ये फ्री नहीं है, ये पेड इमेज है, आप इसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे canva.com का वाटरमार्क आएगा तो आपको इसको डिलीट करना है, सब इमेज को ही डिलीट करना है और आपकी इमेज डालना है। और इमेज आप कहाँ से डालेंगे, बहुत तरह का रॉयल्टी फी इमेज आपको उसी साइट पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इमेज मिलियन से भी ज़्यादा इमेज डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और उसको आप कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ Unsplash नाम की जो वेबसाइट है वो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेज मिलता है और उसी इमेज को आप कमर्शियल इजीली यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो ये जो साइट है इसका नाम है Unsplash.com। ये साइट पे आप जाके जस्ट सर्च करेंगे दिवाली इमेजेस
और दिवाली इमेजेस जैसे ही सर्च करेंगे दिवाली की हिसाब से सारे इमेज आपके सामने दिखाई देगा अगर इस पे मौजूद होगा तो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इमेज आपको इस साइट पे मिल जाएगा, आपको ट्राई करते रहना होगा कि कौन सी इमेज कौन सी साइट पे मिलेगा। ऐसे आपको 10 वेबसाइट मिलेगा जिसके बारे में हमारे वेबसाइट में आर्टिकल है, उस आर्टिकल को पढ़ के आप 10 टॉप 10 वेबसाइट को चूज़ कर सकते हो और उसी साइट को बुकमार्क करके आपके ब्राउज़र पे रख सकते हो ऊपर में ये बार पे, और रख के बाद में आप इमेज के लिए उसी साइट को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि दिवाली, तो दिवाली इमेजेस जैसे ही सर्च करूँगा तो दिवाली की रिलेटेड सारे इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर इमेज यहाँ पे मौजूद है, और इसी इमेज को आप कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको ये साइट का क्रेडिट देना नहीं होगा, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो मिलियन से भी ज़्यादा इमेज। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है, और यहाँ पे आपको उसी इमेज को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा, और क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना होगा, और ये जो इमेज डाउनलोड हो गया है इसको चूज़ करके ओपन करना होगा। बस ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो, और इसी इमेज को आपको ऐसे करके बड़ा करना होगा। जिस पोर्शन आप रखना चाहते हो इमेज पे उसी को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है, और ये पूरा अपलोड होने के लिए टाइम दीजिए। तो देख सकते हो ये इमेज पूरा अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको इसको डाउनलोड करना है, JPG पे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि PNG पे आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो इमेज है इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और बेकार से जगह लेगा। तो आपको JPG फॉर्मेट पे ही डाउनलोड करना है इस इमेज को। तो डाउनलोड का सिंबल आ गया है, तो ये डाउनलोड हो रहा है, बस ये डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, ये जो साइज है बहुत कम होगा, 240K, इतने रेजुलेशन से इतने साइज पे सफिशियंट है। तो आपको इसी तरह का इमेज आपके साइट पे डालना होगा। तो आपको सीधे पोस्ट पे आना होगा और इमेज पे क्लिक करना होगा और चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा, और इमेज को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बस ये हो गया है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो ऊपर पोस्ट देख रहे हो, ऊपर में आपको आर्टिकल एक लिखना है। दिवाली की हिसाब से आप किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे दे सकते हो, किसी स्टोरी बता सकते हो आपके ऑडियंस तक। जो आर्टिकल होगा उसका साइज आपको सिर्फ 30 कैरेक्टर होना चाहिए, 30 से ज़्यादा कैरेक्टर का आर्टिकल आप लिखिए। उसके बाद आपको इस पे कीवर्ड कुछ डालना होगा। कीवर्ड डालने के लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर की ज़रूरत पड़ेगा। तो जो कीवर्ड आपने पहले से ही रिसर्च करके रखे हो उसको आपको, ये जो देख रहे हो यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, इस पे क्लिक करना होगा, और ये एक्सेल फॉर्मेट पे डाउनलोड हो जाएगा। जो कीवर्ड है वो एक्सेल शीट पे डाउनलोड हो जाएगा। बस डाउनलोड हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट, आपके PC पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आप इसको खोल सकते हो आसानी से, या फिर आप गूगल एक्सेल को ही यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे सारे कीवर्ड को एक एक करके पकड़ना होगा और कॉपी करना होगा, और कॉपी करके आपको यहाँ पे देख सकते हो साइड में लेवल का ऑप्शन, और यहाँ पे सारा जो कीवर्ड है, ये जो सारा कीवर्ड है, ये कीवर्ड को यहाँ पे खोल के सारा जितना कीवर्ड आप देना चाहते हो यहाँ पे देके कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। और जो कीवर्ड आप देना चाहते हो आपको कीवर्ड को स्टफिंग करना होगा, यानी पोस्ट के अंदर आपको कीवर्ड को डालना होगा, तभी गूगल इमेज सर्च पे आप आएंगे। ऐसे करके आपको सारे कीवर्ड को डालना होगा। यहाँ पे लिख सकते हो वी कवर योर क्वेरीज, ये लिख के सारे कीवर्ड को देना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप कीवर्ड देंगे तो गूगल समझ जाएगा कि गूगल सर्च के साथ छेड़खानी कर रहा है, इसलिए गूगल आपको का साइट ब्लॉक भी कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगा के
काम करना होगा। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, जस्ट पोस्ट। और एक चीज़ आपके सामने नहीं दिख रहा है जो सर्च का ऑप्शन है, उसको कैसे आपको सेटअप करना है, उसके लिए आपको ये जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे जाना होगा, डैशबोर्ड पे सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके साइट की हिसाब से कुछ आपको लिखना है, वो जो देख सकते हो यहाँ पे सर्च प्रेफरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपको मेटा टैग को इनेबल करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेटा टैग आप ठीक से देंगे तो गूगल इमेज सर्च पे ज़रूर आएंगे, नहीं तो आपके वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ये जो कीवर्ड है, कुछ कीवर्ड को आपको चूज़ करना है, जैसे कि मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर चुका हूँ, तो इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद सेव पे क्लिक करना होगा। ये मेटा टैब इनेबल हो गया है। अब क्या करना होगा, ये जो पोस्ट है इसको आपको सेव करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको रिफ्रेश करना है। देख सकते हो यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हो। ये जो कीवर्ड आपने कॉपी करे हो, ये सब कीवर्ड इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे लेके पेस्ट करना है और डन पे क्लिक करना है और पब्लिश। बस आपके पोस्ट तैयार हो गया है। अब आपके साइट को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, देख सकते हो होम स्क्रीन पे कितना सुंदर दिख रहा है, पर ऊपर जो हॉट पोस्ट है वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हॉट पोस्ट पे दिखाने के लिए आपको देख सकते हो यहाँ पे गुड मॉर्निंग का टैग लगे है, तो आपको गुड मॉर्निंग का लेबल यहाँ पे लगाना है, ये जो हॉट पोस्ट का ऑप्शन है, और हॉट पोस्ट पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। आप साइट को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, देख सकते हो दोस्तों ऊपर में आ गया है, कितना सुंदर दिख रहा है पूरा हॉट पोस्ट। आप एक से ज़्यादा पोस्ट करेंगे तो आपको और भी सुंदर दिखेगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं चारों इमेज इस पे सेट करा हूँ, उसके बाद भी कितना सुंदर दिख रहा है, कितना चारों पोस्ट आपके सामने दिखाई रहा है, कितना सुंदर। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो साइड बार है इसको सेटअप करना है। साइड बार सेटअप करने के लिए आपको लेआउट सेक्शन पे जाना होगा, थीम का लेआउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे और साइड बार राइट का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हो इस पर पॉपुलर पोस्ट है, तो आपको पॉपुलर पोस्ट को इनेबल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 7 डेज इस पर ऑल टाइम कर देना है और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। बस हो गया है, इस पर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो इस पर आपको पूरा पोस्ट दिखाएगा। देख सकते हो यहाँ पे पूरा पोस्ट आपके सामने दिख रहा है, कितना सुंदर। और उसके बाद क्या करना है, आपको सोशल प्लगइन को सेट करना है। कैसे आप सोशल प्लगइन को सेट कर सकते हो, सोशल प्लगइन सेट करने के लिए आपको सिंपल इस साइड बार पे ही आना होगा। उसके बाद इस पे देख सकते हो जो सोशल विजिट का सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, पेंसिल का निशान है और यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। जो जो आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि वीके, ये वीके को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे रेडिट भी नहीं चाहिए, RSS फीड को चाहिए, YouTube चैनल, WhatsApp का भी इस पर ऑप्शन है, WhatsApp भी आप लगा सकते हो। इस पर आपको क्या करना है, जैसे कि Facebook का ऑप्शन है, आपके Facebook पे कोई भी पेज है इस साइट के बारे में पहले आप बना लीजिए। ये जो इमेज आप वेबसाइट बनाएंगे इसको कैसे आप प्रमोट करेंगे, आपको एक फेसबुक पेज बनाना है, कैसे फेसबुक पेज बनाना है उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप देख के फेसबुक पेज आसानी से बना सकते हो। उसके बाद उसका जो लिंक है इस पे आपको देना होगा, जैसे कि मेरा अभी भी इस साइट पे कोई भी पेज नहीं है तो मैं फेसबुक ही दे देता हूँ। उसके बाद ट्विटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस पे भी बहुत सारे शेयर होते हैं, बहुत सारे ट्वीट होते हैं, रीट्वीट बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ब्लॉगर, वो भी इस पे एक्टिव है। तो आप ट्विटर पे एक अकाउंट बना सकते हो और इमेज के रिलेटेड सारे पोस्ट वहाँ पे
डाल सकते हो और उसी पोस्ट को बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को टैग कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ट्विटर पे पहले आप अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद उस ट्विटर पेज का लिंक आप इस पे देना होगा। जैसे कि मैं twitter.com ही दे देता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और जो जो नहीं चाहिए आप इस पे डिलीट कर सकते हो। पिंटरेस्ट पे आप बहुत अच्छा ऑप्शन है, पिंटरेस्ट पे भी इमेज स्पेशली शेयर होते हैं, तो आप पिंटरेस्ट पे अकाउंट एक बना सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हो, इंस्टाग्राम भी आज बहुत चल रहा है, सारे लोग इंस्टाग्राम पे जा रहा है फेसबुक को छोड़ के, तो आप इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल बना लीजिए और पिंटरेस्ट पे भी बना लीजिए। उसके बाद इस यूट्यूब पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब में शेयर करने से कुछ नहीं होगा, बेकार होगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जो जो पेज है, जो जिसके जिसके बारे में है, वो सारे को सेट करके सेव करना है। उसी के हिसाब से यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हो। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ हट गया है यहाँ से, क्योंकि मैं उस पर डिलीट कर चुका हूँ। तो लिंक्डइन भी नहीं चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे इमेज शेयर होते हैं, वायरल भी होते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी इसको शेयर कर सकते हो। आपके सारे पोस्ट को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो और उसका लिंक नीचे दे सकते हो। उस लिंक पे जाके लोग विजिट करेगा आपके साइट पे, तो आपके साइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा और ट्रैफिक बढ़ेगा तो पैसा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे फेसबुक का जो पेज है ऐसा दिख रहा है थंबनेल की आकार से, तो आपको ऐसे फेसबुक पेज क्रिएट करना होगा। तो आपके फेसबुक का जो पेज है उसी पेज का लिंक सिंपल सा देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक का ऑप्शन है साइड बार राइट पे और इस पेंसिल का निशान है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देख के घबराइएगा मत क्योंकि ये सेट करना बहुत ही इजी है। इस पे देख सकते हो फेसबुक, ये जो facebook.com/ देख के सोरा टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट का पेज है, ऑफिशियल पेज है। तो आपकी पेज दे सकते हो, सिर्फ ये जगह को आपको रिप्लेस करना है। आपके फेसबुक का पेज का जो भी लिंक है आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैं देता हूँ मेरा ऑफिशियल जो पेज है उसका लिंक। और इस पे कहीं पे भी कुछ नहीं चेंज करना है, जैसे है और ऐसे ही रखिए। सिर्फ आपको ये जो लिंक है, ये जो पूरा लिंक है, आपको सिर्फ इसी जगह को ही चेंज करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, देख सकते हो ये सेव हो गया है। उसके बाद सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना है। जो भी आप इस पे चेंज करेंगे उसके बाद आपको सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना होगा। कई बार होते हैं आपको सेट करने के बाद भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सारे चीज़ चेंज करके आपको सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना होगा। इससे सही तरीके से चेंज होगा, तो आपको साइट को रिफ्रेश करना है। तो आप इस पे देख सकते हो मेरा ऑफिशियल पेज इस पे आ गया है और जो जो लाइक है वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है और सारे फ्रेंड का छवि भी नीचे दिखा रहा है। इस पे आप कैटेगरी भी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों कैटेगरी कैसे आप सेट कर सकते हो, कैटेगरी सेट करना भी बहुत ईजी है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिलेक्टेड लेवल भी कर सकते हो, जिस लेवल को आप दिखाना चाहते हो उसी लेवल को आपको टिक करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना है और आपको रिफ्रेश कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी भी आ गया है, पर ये कैटेगरी, ये जो नीचे है कैटेगरी, इसको आप नीचे ठीक से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको ऊपर में आना लगाना चाहिए। तो ऊपर में लगाने के लिए आपको ये जो कैटेगरी का ऑप्शन है इसको ड्रैग करके ऊपर में डालना होगा और सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना होगा। और नीचे है बस इस साइड बार का ऑप्शन, साइड बार ठीक से सेट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, फुटर को सेट करना है। फुटर भी सेट करना ईजी है, तो आपको गूगल एडसेंस के हिसाब से कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना ज़रूरी है, तो आप उसी पेज को बनाइए। ऑनलाइन पे बहुत सारे फ्री टूल है, उस पे बनाएंगे। तो मैं बहुत जल्दी एक टूल को पब्लिश करने जा रहा हूँ, मेरे साइट पे आप अवेलेबल होगा, जब होगा तो मैं आपको कॉन्फर्म ज़रूर कर दूँगा। वो साइट पे जाके आप फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी पेज देंगे और
वहाँ से आप अच्छे से सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो एक बना चुका हूँ, कैसे आप फ्री में ऑनलाइन पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज बना सकते हो, उसके बारे वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो ये जो होम का ऑप्शन है, होम को डिलीट कर देना है, सिर्फ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पे लिखना होगा प्राइवेसी पॉलिसी। के बाद मैं इसको हैज करके रखता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा इस साइट पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं क्रिएट करे है। तो उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना है, और नीचे आपके जो फुटर सेक्शन है उसके नीचे आपको तीनों पेज दिखाई देगा। देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल साइट दिख रहा है, एक इमेज वेबसाइट, बहुत अच्छा एक साइट है जिस पे आप आसानी से गूगल इमेज पे रैंक कर सकते हो, और इस पे ऐड भी लगाना इजी है। साइड बार पे जाएंगे और ये जो साइड बार है इस पे ऐड एक गैजेट पे क्लिक करेंगे, और गैजेट पे क्लिक करने के बाद HTML जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड कोड को बैठाना है और सेव पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही करेंगे ये साइट के सामने ऐड शो करेगा, और पोस्ट में ऐड लगाने के लिए आप अलग से पोस्ट, एक एक को पोस्ट लिख दें, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और पोस्ट क्लिक करने के बाद ये जो पोस्ट पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको HTML पे जाना होगा, और जो इमेज है इसके नीचे आपको ऐड कोड को बैठाना है, ऐड कोड को पेस्ट कर देना है, उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है, और आपके सारे ऐड कोड या फिर पोस्ट के अंदर दिखाई देगा। देख सकते हो ये जो इमेज साइट है इसका इमेज कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो इमेज है इसके नीचे ऑटोमेटिकली बहुत सारे सोशल शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर कोई आपके फ्रेंड्स वो इस पोस्ट को खुलेगा तो इस पे ये जो शेयर बटन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, लिंक्डइन पे चला जाएगा, पिंटरेस्ट पे चला जाएगा, जो जो ऑप्शन इस पे है सारे जगह ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। इससे आपके साइट का नाम भी बढ़ेगा और ट्रैफिक भी बढ़ेगा, गूगल क्रॉलर भी क्रॉल करेगा, इससे आपके साइट का फ़ायदा, और साइट का फ़ायदा मतलब आपका पैसा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप एक अच्छा प्रोफेशनल साइट, इमेज साइट बना सकते हो, और इमेज साइट के ऊपर कैसे आप ठीक से आर्टिकल लिख सकते हो इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद जो वीडियो होगा वो वर्डप्रेस पे ऊपर, वर्डप्रेस पे आप कैसे एक इमेज वेबसाइट बना सकते हो उसके ऊपर भी मैं वीडियो इस चैनल पे लाऊंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, और जो जो फ्रेंड्स इमेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू, गुड बाय। We'll be right back.